मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ड्राइविंग लाइसेंस में ऑनलाइन करेक्शन कैसे किया जाता है, इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं। तो अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में कोई मिस्टेक है, लाइक आपके नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो, DOB, फादर नेम, एड्रेस, या आपका फ़ोटो पुराना है, आप सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सभी करेक्शंस आप ऑनलाइन बिना RTO ऑफिस विजिट किए खुद से ही कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस में ऑनलाइन करेक्शन करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने परिवहन की ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको लाइसेंस और व्हीकल से रिलेटेड सभी सर्विसेज मिल जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी करेक्शन करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे drivers/learner license, यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है सर्विसेज ऑन DL रिन्यूअल डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल 18 सर्विसेज मिल जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस में करेक्शन करने के साथ साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पर रिन्यूअल कर सकते हैं, एडिशनल एंडोर्समेंट कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को रिप्लेस कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं, डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेम या फादर नेम करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह की काफी सारी सर्विसेज हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आप स्टेजेस देख सकते हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा इफ रिक्वायर्ड। ये कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल है, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, एप्लीकेबल ओनली इन सर्टेन स्टेट। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुकिंग करना होगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में एडिशनल एंडोर्समेंट करते हैं तभी आपको टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होता है। तो क्योंकि हमें करेक्शन करना है तो करेक्शन में टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट को वेरीफाई करेंगे और इसके बाद लास्ट में आपको रिसिप्ट को प्रिंट निकालना होगा। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना DL नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और गेट DL डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फॉर्मेट देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 4 फॉर्मेट्स दिए गए हैं। इस फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपना DL नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में होगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि ये सारी डिटेल्स आपकी है, इसको यस करेंगे। यहाँ पर अपना RTO ऑफिस सेलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नया मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आपका फादर नेम, जेंडर, क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में पहले से मेंशन होगा। यहाँ पर स्टेट आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर तहसील सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना विलेज या टाउन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट, तहसील और अपना विलेज सिलेक्ट करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स को चेक करेंगे, तो आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपको सर्विस सिलेक्ट करनी है, आपके सामने टोटल सर्विसेज आ जाती हैं जिन सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो हमें करेक्शन करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे चेंज ऑफ नेम इन DL, एड्रेस भी हमें करेक्शन करना है तो चेंज ऑफ एड्रेस इन DL इसको भी चेक करेंगे। बाकी आप सिंगल सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ नेम करेक्शन करना है तो आप चेंज ऑफ नेम इन DL इसको सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ एड्रेस करेक्शन करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब आपको नेम चेंज के लिए एक रीजन सिलेक्ट करना होगा, यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन, अगर कोई वुमेन है वो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करना चाहती है तो यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में स्पेलिंग मिस्टेक है तब आप यहाँ दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप रीजन को यहाँ पर मैनुअली भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना न्यू नेम एंटर करेंगे जो आपका करेक्ट नेम है, यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। अगर सिंगल नेम है तब आप यहाँ फर्स्ट नेम में डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिलेशन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रिलेशन नेम डालेंगे, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया है फादर तो यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। अगर आपका फादर नेम में भी आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो आपका जो करेक्ट फादर नेम है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे, आपका ये जो करेक्ट नेम है ये कब से इफेक्टिव है, इसके बाद कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे, डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, इसके बाद नेक्स्ट सर्विस करेंगे। अब यहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल्स डालेंगे, आप परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या प्रेजेंट चेंज करना चाहते हैं। अगर दोनों एड्रेस चेंज करने हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बोथ। इसके बाद अपना यहाँ पर परमानेंट नया एड्रेस फिल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर तहसील सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना विलेज टाउन सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पर हाउस डोर फ्लैट नंबर डालेंगे, यहाँ पर स्ट्रीट लोकेलिटी या फिर पुलिस स्टेशन डालेंगे, यहाँ पर लैंडमार्क डालेंगे, यहाँ पर अपना पिन कोड। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तब आप यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स को चेक करेंगे। आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा वही प्रिंट किया जाएगा। इसके बाद कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे, डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और ये आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए होता है, आप इसको खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको यस और नो में आंसर देना होगा। तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को यस और नो करेंगे। इसके बाद कंसेंट देंगे कि आपने जो भी यहाँ पर आंसर दिए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है और सबमिट करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस has been submitted successfully, back पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फिर से डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर जितने भी बॉक्स इन सब बॉक्स को चेक करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको नो रखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है अगर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो क्या अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता है, तो अगर आपके केस में डोनेट करना चाहता है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो रख सकते हैं। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि आप ऑर्गन्स को डोनेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको ओके करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, इसको ओके करेंगे। यहाँ पर हमारी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जिसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, ब्लड ग्रुप और बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप सर्विसेज देख सकते हैं, हमें नेम करेक्शन करना है और एड्रेस करेक्शन करना है, तो यहाँ पर दोनों सर्विसेज आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है। हमें अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा, नेम चेंज के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा और एक प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, तो हमें ये तीन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये फोटो का डायमेंशन देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिग्नेचर का डायमेंशन, साइज आपको रखना है 10 टू 20 केबी के बीच में और इसका फॉर्मेट आपको जेपीईजी एंड जेपीजी में रखना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन एंड इसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर ये भी कंप्लीट हो गया है, इसके बाद प्रोसीड करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। अब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट पर ओके करेंगे, यहाँ पर प्रूफ ऑफ नेम चेंज, इसको सिलेक्ट करेंगे। नेम करेक्शन के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है और उसको किसी भी लोकल या फिर नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। आप इस एड को कैसे पब्लिश करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर्मेट क्या रखेंगे, वो कंप्लीट डिटेल आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रूफ में इसको सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपको जेपीईजी, जेपीजी एंड पीडीएफ में रखना है। फाइल का मैक्सिमम साइज 500 केबी तक रखना है। फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन एंड अपलोड, इसके बाद कंफर्म करेंगे। हमारा पहला डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, एड्रेस प्रूफ, प्रूफ्स पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी। एड्रेस करेक्शन के लिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट लगा सकते हैं, एफिडेविट लगा सकते हैं, वोटर आईडी, एलआईसी पॉलिसी स्टेटमेंट, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीएसएनएल, एमटीएनएल लैंडलाइन बिल लगा सकते हैं, राशन कार्ड, तो ये सभी डॉक्यूमेंट वैलिड है। आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड विद डीओबी, इसके बाद चूज फाइल, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड एंड कंफर्म करेंगे। इसके बाद हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करेंगे, प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद चूज फाइल, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे एंड अपलोड, कंफर्म करेंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, तीनों डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए हैं। आप यहां से डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हो जाता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स के नीचे उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप सिंगल सर्विस लेते हैं तब आपको सिर्फ एक ही सर्विस के लिए पेमेंट करना होगा, जैसे कि चेंज ऑफ नेम इन डीएल, यहाँ फी पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि एड्रेस के लिए हमें 200 रुपीज पे करने हैं, नेम के लिए 200 रुपीज पे करने हैं, फॉर्म 7 के लिए 200 रुपीज पे करने हैं और पोस्टल चार्जेस 50 रुपीज। टोटल हमारे हो जाते हैं 650 रुपीज हमें जो पे करने होंगे। अगर आप सिंगल सर्विस लेते हैं तब आपको सिर्फ सिंगल सर्विस का ही पेमेंट पे करना होगा। यहाँ पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, पे नाउ, इस पर ओके करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट।
इसके बाद पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्कैन एंड पे, हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जनरेट क्यूआर कोड, यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। आपको अपने यूपीआई एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट को पे कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल, इसके बाद क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी। आप इसको रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट यहां से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस देखने के लिए आपको सारथी परिवहन की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल स्टेजेस देख सकते हैं जो हमने फॉलो की है। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस कंप्लीट, हमारा पेमेंट भी हो गया है। और यहाँ पर आप एप्लीकेशन का करंट स्टेटस देख सकते हैं, जैसे कि अभी का जो स्टेटस है वो दिखा रहा है एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट आरटीओ लेवल। अभी हमारे एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में करेक्शन हो जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस को हमारे एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ व्यू मोर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस देख सकते हैं। जैसे कि अभी अप्रूवल पेंडिंग है, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, इसके बाद अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद हमारे ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिंट किया जाएगा और प्रिंट करने के बाद डीएल को डिस्पैच किया जाएगा, मतलब आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 1 हफ्ते से लेके 15 दिनों तक का टाइम लग जाता है। तो आपको वेट करना है और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहना है। अगर आपको पेमेंट कंप्लीट करने के बाद स्लॉट बुकिंग करने का भी ऑप्शन आता है, तब आपको स्लॉट बुक करके आरटीओ ऑफिस विजिट करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन वेरीफाई करवाना होगा। लेकिन हमारे केस में हमें आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको भी ऑफलाइन आरटीओ ऑफिस विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। अगर आपको स्लॉट बुकिंग करने का ऑप्शन आता है तो आप स्लॉट बुक करेंगे और जो भी डेट आप सिलेक्ट करते हैं उस डेट में आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर वेरीफाई करवाने हैं। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके एड्रेस पर ही बाई पोस्ट सेंड किया जाएगा। नेम चेंज के लिए आपको इस तरह से एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो आपको कुछ इस तरीके से रखना है। इस फॉर्मेट की कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप हमारे चैनल को जो है अभी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। न्यूज़पेपर में आपको इस तरह से पब्लिश करना है। आप इस एफिडेविट को किसी भी लोकल या फिर नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप अपना एफिडेविट बनवा के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस में ऑनलाइन कोई भी करेक्शन करने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको करेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।